तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो तुलसीदास जी से रिलेटेड होने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बीए हिंदी एग्ज़ाम में, ठीक है, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं। फिलहाल मैंने तुलसीदास जी से रिलेटेड पहले एक वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड कर दी थी, ठीक है। उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह गए थे। शायद मैंने 30 या 35 क्वेश्चन आप लोगों तक प्रोवाइड किए थे, लेकिन मुझे लगा और भी क्वेश्चन बन रहे हैं तुलसीदास जी से रिलेटेड, मुझे इसका सेकेंड पार्ट लाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में, यानी कह सकते हैं तुलसीदास के और भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वो वीडियो और ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो तुलसीदास जी से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी, यानी कि 10-5 क्वेश्चन जितने भी आते हैं आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में तुलसीदास से रिलेटेड, आपके पाठ्यक्रम में मानस का कौन सा कांड संकलित है? नंबर एक बाल कांड, बी नंबर है लंका कांड, सी नंबर है सुंदर कांड और डी नंबर है अरण्य कांड। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम भी ऐसा को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आपके पाठ्यक्रम में, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर हिंदी में, ठीक है, फर्स्ट पेपर में मानस का जो कांड संकलित है उसका नाम है बाल कांड, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैरवे रामायण में कुल कितने छंद हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, ज़रा सा मिस मत करिएगा वीडियो, अदरवाइज क्वेश्चन आप छूट गए तो फिर आप बाद में पछताएंगे, यही कहेंगे कि अगर पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं आप लोग को मालूम ही है। जैसा कि तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 59, ठीक है, यानी कि 61 भैरवे रामायण में 61 छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? नंबर एक बाबर, बी नंबर अकबर, सी नंबर शाहजहां और डी नंबर है बीरबल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर अकबर, ठीक है। तुलसीदास अकबर के शासक के समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक ज्योतिष ग्रंथ है? नंबर एक विनय पत्रिका, बी नंबर भैरव रामायण, सी नंबर रामज्ञा प्रश्न, डी नंबर पार्वती मंगल। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर, ठीक है, रामज्ञा प्रश्न, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन, वीडियो को मिस मत करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली किसकी कृति है? नंबर एक रहीमदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर कबीरदास, डी नंबर रसखान। तो कवितावली जो है वो है श्री तुलसीदास जी की कृति, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस का पांचवा कांड कौन सा? ये जनरली क्वेश्चन आपको ऐसे भी जानना चाहिए, एग्जाम में तो आता ही है, साथ साथ में ऐसे भी जानना चाहिए। नंबर एक उत्तरकांड, बी नंबर अयोध्या कांड, सी नंबर लंका कांड और डी नंबर है सुंदरकांड। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा डी नंबर सुंदरकांड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? नंबर एक शिव नारायण दास ने, बी नंबर जगत नारायण दास ने, सी नंबर रामचरण दास ने, डी नंबर गुरशरण दास ने। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या सी नंबर, ठीक है, रामचरण दास, रामचरितमानस की जो प्रथम टीका है रामचरण दास जी ने लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली हनुमान बहुक समेत की रचना कब हुई? नंबर एक है संवत 1650, बी नंबर संवत 1631 और सी नंबर है संवत 1560 और डी नंबर है 1621। तो जो कवितावली हनुमान बहुक समेत की रचना हुई थी वो हुई थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, संवत 1631 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तुलसीदास किस संप्रदाय से प्रभावित थे? नंबर एक साहब, बी नंबर श्री संप्रदाय, सी नंबर है इसमत और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर श्री संप्रदाय से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, IMP, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सिंह सेंगर ने तुलसी का जन्म कहाँ माना है? और नंबर एक है इटावा, बी नंबर है काशी, सी नंबर है राजापुर बांदा और डी नंबर है सोरो।
तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, शिव सिंह संगेर ने तुलसीदास का जन्म माना है राजापुर बांदा में, ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बहुत सारे जो इनके कवि हैं या आप ऐसे कह सकते हैं लेखक हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग तुलसीदास जी का जन्म अलग अलग स्थान पर माना है। बहुत लोगों ने राजापुर बांदा माना है, बहुत लोगों ने काशी माना है, बहुत लोगों ने सोरो माना है। तो जितने भी लेखक हैं सब अपने अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट अभी इनका कोई नहीं मिला है, लेकिन ज़्यादा जो फोकस वो राजापुर बांदा ही माना जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो राजापुर बांदा ही सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थ चर्म महदे मम तामे जैसी प्रीत पंक्ति तुलसी के लिए किसने लिख कही, ठीक है। जो अस्थ चर्म महदे मम तमे जैसी प्रीत पंक्ति तुलसीदास के लिए किसने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने ये सुना ही होगा ये पंक्ति। नंबर एक है पद्मावत, बी नंबर हुलसी, सी नंबर रत्नावली, डी नंबर कनकावती। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, रत्नावली। रत्नावली कौन है आप लोगों को मैंने बताया था सेकेंड वीडियो में, तो रत्नावली उनकी क्या थी, पत्नी थी, ठीक है, पत्नी थी इसकी तुलसीदास जी की, ठीक है। जिस जब मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी तो उसमें बताया था तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था, पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई थी आप लोगों को। अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है क्योंकि उसमें और भी क्वेश्चन है, इसमें तो मान लो जो पार्ट सेकेंड है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन है, जो पार्ट फर्स्ट है उसको भी आप देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा। तो नंबर एक है सूरदास, बी नंबर श्याम सुंदर दास, डी नंबर है ग्रेसन और डी नंबर है स्मिथ। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ग्रेसन, ठीक है, बी सी नंबर, सॉरी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली में कितने छंद हैं। नंबर एक 80, बी नंबर है 60, सी नंबर 51 और डी नंबर है 61। तो जो कृष्ण गीतावली में कुल छंदों की संख्या जो है वो है 61, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर भी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दोहावली किसकी कृति है। नंबर एक मीरा, बी नंबर रहीम, सी नंबर तुलसीदास और डी नंबर है जायसी। तो आपको मालूम ही है राइट आंसर क्या होगा, तुलसीदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रूप रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। नंबर एक है यज्ञ रूपक, बी नंबर है मान रूपक, सी नंबर रथ रूपक, डी नंबर है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, तुलसीदास जी का जो मान रूपक, ठीक है, सबसे बड़ा रूपक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता करके तुलसी ना लसे पंक्ति के विषय में किसने कही है। ये बहुत ही जनरली पंक्ति है, आप लोगों ने सुना ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अभी नहीं सुना होगा तो इससे पहले जब आप 10th 12th में रहे होंगे तब सुना होगा, ठीक है। तो नंबर एक ऑप्शन निराला, बी नंबर पंत राम कुमार वर्मा और डी नंबर है हरि औध, ठीक है। तो जो ये पंक्ति कही है, ठीक है, किसने कही है, उनका नाम है डी नंबर, ठीक है, हरि औध जी ने कही है, हरि औध जी ने कही है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार देखा है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास को किसने अनुप्रास का बादशाह कहा। नंबर एक रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर अकबर और सी नंबर है डॉक्टर उदय भानु सिंह और डी नंबर है रामविलास शर्मा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ए नंबर, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तुलसीदास किस भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। नंबर एक कृष्ण भक्त, बी नंबर राम भक्त, सॉरी नंबर एक राम भक्ति है, बी नंबर कृष्ण भक्ति है, उसी नंबर है दोनों, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, राम भक्ति। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास, ठीक है, राम भक्ति साधक के प्रतिनिधि कवि हैं या कवि थे, क्योंकि अब तो वो रहे नहीं, इसलिए आप थे भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हाई लगाया गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की गीतावली किस कवि
की रचना से प्रभावित है। नंबर एक केशवदास, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर सूरदास, डी नंबर है कबीरदास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो राइट आंसर इसका होता है सूरदास, सूरदास से प्रभावित है। ठीक है, राइट आंसर सूरदास हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बंदो मुनिपद कंज भवानी जेहि निर्मोहु में अलंकार में कौन सा अलंकार है। ठीक है, जो ये पंक्ति है या ये जो भी दोहा है, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है। नंबर एक है एमक, बी नंबर है उपमा, सी नंबर है रूपक, डी नंबर है उत्प्रेक्षा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, कोई एक पंक्ति दी होगी उसमें आप लोगों को बताना होगा इसमें कौन सा अलंकार है या कौन सा अलंकार की बात की गई है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना होगा। तो इस पंक्ति में जो है वो है रूपक, क्या है रूपक है, रूपक अलंकार है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, जैसा कि मैंने बताया ऊपर अभी आप लोगों की कि मैंने इसकी पार्ट वन अपलोड कर दी है, नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगा, वो और ये वीडियो देख लेंगे तो तुलसीदास से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे लगभग। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिल जाएगी, और वो पार्ट और ये पार्ट दोनों मिला के मैंने क्या किया है, दोनों को कंबाइन कर लिया है, कंबाइन करके एक PDF बना लिया है और पूरी एक फाइल भी बना ली है। ठीक है, तो ये जो पूरी फाइल है, पूरी डॉस फाइल है और पूरी आप लोगों की जो PDF है, दोनों मैंने वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी है। ठीक है, किस वेबसाइट पर अपलोड की इसको भी मैं बता दूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है वेबसाइट का नाम sandeepinfo.com, इस वेबसाइट आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्रोम पे, तो वहाँ पे वेबसाइट पे भी आप अपनी वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर आप दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, और PDF भी कोशिश करूँगा कि मैं डाल दूँ। ठीक है, PDF भी मिल जाएगी, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को, दोनों वीडियो क्वेश्चन मिला के वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैंने एक दोस्तों सेकेंड चैनल ओपन किया है जिसका नाम है हिंदी न्यूज, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर भी आप सपोर्ट बनाए रहिए। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।